जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्ट टेक्निकल साइंस में। इस भाग में हम सीखेंगे गणित कक्षा 8 की प्रश्नावली 11.3 का अंतिम प्रश्न और अंतिम अर्थात 10वें प्रश्न का हल। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेवल लगाती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि लेवल बर्तन के तल और शीर्ष से दोनों से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेवल का क्षेत्रफल क्या है? ये चित्र में दिखाया हुआ है 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ा है, 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ा है, तो कुल मिलाकर 4 सेंटीमीटर छोड़ा है। अब दिया है कि इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है बर्तन की, तो लेवल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर ये छूट गया, 2 सेंटीमीटर ये छूट गया, तो 4 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो हम 20 में से 4 घटा देंगे तो लेवल की जो चौड़ाई है या ऊंचाई है वो आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। दिया है बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो बर्तन की त्रिज्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है 7 सेंटीमीटर, और बर्तन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो तल एवं लेवल, तल और शीर्ष से लेवल की दूरी 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे, कुल मिलाकर हो गई 4 सेंटीमीटर। तो लेवल की चौड़ाई या ऊंचाई हो जाएगी 20 × 4 = 16 सेंटीमीटर। अब हमें लेवल का जो है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो लेवल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच दो गुणित पाई का मान 22/7, आर का मान हमने निकाला 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान हो गया 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 7 से 7 कट जाएंगे तो क्या बचा हमारे पास 2 × 2 = 22 × 1 बचेगा यहाँ पर, तो 16 × 16 इनका गुणा कर दें हम 2 × 16 और 22 का गुणा 16 × 32 की 2 हासिल आई, तो 3 16 × 32 और 3 = 33 352 में 2 का गुणा कर दें तो 2 × 2 = 4 2 × 5 = 10 2 × 3 = 6 और 1 = 7 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार बर्तन पर लगने वाले लेवल का क्षेत्रफल या क्या पूछा है, क्षेत्रफल ही या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वैसे तो 704 सेंटीमीटर वर्ग होगा। तो इस प्रकार से ये आपको 10वां प्रश्न संपन्न होता है। इसी के साथ ये प्रश्नावली भी संपन्न होती है। मिलेंगे अगली प्रश्नावली के प्रश्नों का हल लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।